नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय राजेश, हेलो फ्रेंड्स। हाय, हेलो, हेलो। राम, चोरी चोरी शादी कर ली और यारों को बुलाया भी नहीं। यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ विजय कि मैं किसी को बुला ही नहीं सका। लेकिन हमें शादी की पार्टी जरूर चाहिए। अरे पार्टी चाहिए ना यार, इसमें क्या बड़ी बात है। डन, क्यों राम, ठीक है ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, डन। शादी मुबारक हो राम। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस राम। हेलो, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। राम, भाभी नहीं दिखाई दे रही यार, कहाँ है? हमें भी तो मिलाओ उनसे। देखो, सभी एक ही सवाल कर रहे हैं मुझसे। चित्रलेखा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और रामपुर में है माँ के पास। आज की पार्टी में शरीक नहीं हो सकती। ठीक है यार, भाभी आई नहीं तो कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। इसी बहाने एक पार्टी और। लो, फूलों का खर्चा हमको फिर से करना पड़ेगा। महाराज मत कीजिएगा, फूलों का खर्चा भी हमारा। हाय राम। हाय राजेश। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई। हेलो राम साहब, मुबारक हो। राम, इनसे मिलो, आप है मेरे मामा जी। तू मेरी शादी से अचानक चला गया था ना, तो इनसे मुलाकात नहीं कर सका। मामा जी, ये मेरा दोस्त। शादी मुबारक। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जवानों को शादी करते देखकर मैंने भी फैसला किया है कि अगले साल तक मैं भी शादी कर ही डालू। हाय फ्रेंड्स, फैंटास्टिक मैन इज ही आई टेल। चित्रलेखा क्या? हाँ राजेश, मैंने अभी भी उसे दीवार के पीछे जाते हुए देखा है। तेरा वहम है यार। मेरा वहम नहीं है राजेश, मैं सच बोल रहा हूँ। तू जाकर देख तो बचा है? जा राजेश। अच्छा, नमस्ते राजेश बाबू। भाभी, आप यहाँ? हाँ राजेश बाबू, राम के सब दोस्त मेरे लिए पूछ रहे थे। राम को झूठ बोलना पड़ रहा था कि मैं बीमार हूँ और रामपुर में माँ जी के पास हूँ। लेकिन भाभी, आप कभी यहाँ कभी जंगल में, ये सब कैसे? आत्मा तो एक हवा का झोंका है राजेश बाबू, उसे यहाँ से वहाँ पहुँचने में एक पल भी नहीं लगता। इसमें हैरानी की क्या बात है जी? आप राम से कह दीजिए मैं पार्टी खत्म होते ही चली जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। इसी में हम सबकी इज्जत है जी। There's a pleasant surprise for all of you. हमारी खूबसूरत भाभी मिसेज राम आसमान से उतरकर जमीन पर आ रही हैं। आइए भाभी जी, मिसेज राम, give her a big hand. भाभी ने वादा किया है कि वो पार्टी के बाद चली जाएंगी। भगवान के लिए राम, उनसे कुछ मत कहना, मगर तुम प्लीज बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, ओके? अच्छा ठीक है राजेश, ठीक है। दोस्तों, राम ने हम सबको बेवकूफ बनाया है कि भाभी बीमार है, इसकी सजा राम को मिलनी चाहिए। यू आर राइट, और साथ में श्रीमती चित्रलेखा राम को भी। मुझे मंजूर है, सजा फरमाइए। क्यों राम, तुम्हें भी मंजूर है? जब इन्हें मंजूर है तो हमें कैसे इनकार हो सकता है? तो ठीक है राम, सजा यह है कि तुम अपनी दुल्हन की शान में कोई गाना सुनाओ और आप राम का साथ दीजिए और हम वीआईपीस का दिल बहलाइए। yeah! दोस्तों, चांद देखा बहुत हसीन लगा, फूल देखे देखते ही रह गए, मगर आज पहली बार अपना ईमान देखा, तो अपने ईमान पर अपना ही ईमान बेईमान हो गया। किसी का ईमान बेईमान होने को मचल रहा है, जरा संभालिए इन्हें।
सब लोग जा चुके हैं, अब मैं चलूं। राम, रुकने के लिए नहीं कहोगे? यार राजेश, आज की रात तू यहीं रह जा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डर गया ना? आमा शेर बन यार, यू आर अ ही मैन। फिकर मत कर, तू जाके आराम कर, उसने वादा किया है अब वो लौट कर नहीं आएगी। रीता जी चले, आज पार्टी में जरा बड़ा रोमांटिक मूड बन गया है, जल्दी घर चले। आमा जरा हमको वहां तक छोड़कर तो आ यार, क्या सोच रहा है तू समझ में नहीं आया। साहब, बहू जी आई और चली भी गई, कितनी अच्छी थी वो, आपने उन्हें रोका भी नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे माधो काका, जय सो जाइए। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। अच्छा भाभी, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ भाभी। कहीं ये चित्रलेखा की चाल तो नहीं है? हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ भाभी। भैया आप अभी तक वहीं हैं? प्लीज जल्दी आइए। अच्छा भाभी, मैं अभी आया, अभी आया भाभी। हेलो, ओहो राम, लाख बरस की उम्र है तेरी। अबे गाली क्यों दे रहा है? अबे गाली के बच्चे, तू दिल्ली चला गया और हमको बताया तक नहीं यार। अचानक जाना पड़ा यार। मामा जी कल से परेशान है तुझसे मिलने को। सब खैरियत तो है? कहीं शादी तो पक्की नहीं हो गई? शादी नहीं, आज उनका जन्मदिन है। तो हो जाए पार्टी। पार्टी तो होगी प्यारे, लेकिन बहुत ही प्राइवेट। मामा जी ने आगरे से एक हसीना बुलवाई है, अनारकली, कल से आपके दीदार को तरस रही है। तू एक काम करना, सीधा 7 बजे फेमस एग्जीबिशन हॉल पर आ जा, वहीं से चलेंगे तुम्हारे मामा जी की अनारकली के पास। ओके, वाह 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 वाह। हुजूर, ये सब पेंटिंग्स मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के रियासतों से जमा की हैं। ये देखिए महारानी पद्मिनी, कहते हैं ये जब पानी पीती थी तो पानी इनके गले से उतरता नजर आता था। इनका गला ट्रांसपेरेंट था क्या? और ये हैं चंदनपुर के महाराजा बहादुर सिंह, जिन्होंने हर लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ये तो इनके चेहरे के जलाल से नजर आ रहा। और ये हैं बूंदी के महाराजा अशोक सिंह, बट अ वेरी अनलक्की की। क्यों, क्या मतलब? इनकी एक ही लाडली बेटी थी जिसे वो दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन वो बेचारी अभागन सुहाग रात को ही विधवा हो गई, जौहर में कूदकर मर गई। वेरी सैड, वेरी सैड। वो रही उसकी तस्वीर। राजेश, राजेश, ये तस्वीर तो मामा जी, क्या है? मामा जी आप तो जानते हैं चित्रलेखा राम की पत्नी है, लेकिन वो इंसान नहीं। हा? जी, वो चित्रलेखा की रूह है। क्या? ओह माय गॉड, तो उस दिन पार्टी में? जी मामा जी, वो उसकी रूह थी। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? Is anything wrong? जी कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी।
राजेश। हाँ यार, एक काम करो, तुम मामा जी के साथ जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, मैं घर जाता हूँ। घर जाकर क्या करेगा यार, अकेले में परेशान हो जाएगा तू। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मामा जी की अनारकली के यहाँ चलते हैं, तेरा दिल बहल जाएगा। नहीं यार मैं। चलो ना राम, हम अनारकली से वादा करके आए कि तुम हमारी खुशी में जरूर शरीक हो। मामा जी प्लीज लेट्स गो। चलो ना, लेट्स गो। वाह वाह अनारकली बेगम, आज तो तुमने महफिल में जान डाल दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हुआ हुजूर, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? जी नहीं, नहीं। तो फिर तशरीफ रखिए ना। क्या बात है राम? वो यहां भी आ गई। राजेश, कुछ सुना तुमने उसकी पुकार? नहीं राम, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। वो मुझे पुकार रही है राजेश, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना होगा। माफ कीजिएगा, पता नहीं कभी कभी राम को क्या हो जाता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। बाबू, तुम्हें भी कोई लड़की पुकार रही है? हाँ, मगर तुम हो कौन? मैं चौकीदार हूं साहब, यहां कोई आत्मा भटकती है, वो सामने जो कब्रिस्तान है ना, वहीं से आवाज आती है, हर आने जाने वाले को बुलाती रहती है। आप घर जाइए साहब। क्यों बाबू, आप भी किसी को बचाने आए हो? लेकिन यहां किसी की चीख सुनाई दी थी। ये कोई भटकती हुई आत्मा की चीख है बाबू, जो हर रात सुनाई पड़ती है, और कोई ना कोई इधर से गुजरने वाला आधी रात को मेरी नींद खराब कर देता है। जाओ अपने घर जाओ बाबू। यहां का चौकीदार वहां बेहोश पड़ा है। लेकिन यहां का चौकीदार तो मैं हूं बाबू। अगर आप यहां के चौकीदार हैं तो फिर वो कौन है? आइए मेरे साथ आइए। अजीब बात है, अभी अभी तो ही बेहोश पड़ा था। यहाँ कोई चौकीदार नहीं है बाबू, भटकती हुई आत्माएं हैं। आप अपनी जान की खैर मनाइए, घर जाइए घर। चित्रलेखा, मैं यहां हूं। राम, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुम महान भी हो, फिर तुम्हें अनारकली जैसी औरत के कोठे पर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या अधिकार है यह सवाल करने का? पत्नी के अधिकार से पूछा है। कैसी पत्नी, किसकी पत्नी, कैसा अधिकार? जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुमसे मिला था, तब से तुम एक मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो। आज से तुम्हें तुम्हारे घर में भी रहने आ गई हूं राम। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी माँ से मुझे अपनाने के लिए भीख मांगी, तुम्हारी माँ को दया आ गई और मुझे इस विश्वास के साथ बॉम्बे ले आई कि तुम मुझे अपना लोगे। इस जन्म में तो क्या मैं तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं अपनाऊंगा? कुदरत के निजाम को कोई नहीं बदल सकता। इंसान रहो राम, भगवान बनने की कोशिश बेकार है। घर जाओ, वहां हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
आप भैया आ गए माँ जी। राम आ गया बेटे। कैसी हो माँ? आने की खबर क्यों नहीं दी मुझे? मत छुओ मुझे। इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाई माँ? राम मैं बहू को इसलिए लाई हूँ। इसलिए लाई हो कि चित्रलेखा के माँ बाप ने तुम्हारे सामने झोली फैलाकर अपनी बेटी के जीवन की भीख मांगी, तुम्हें दया आ गई और तुम इसे अपने साथ यहाँ ले आई। हाँ राम, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? इसने मुझे खुद बताया है। ये सब झूठ है। मैं गाँव से यहाँ तक माँ जी के साथ हूँ, ना ही मैं आपको मिली और ना ही मैंने आपको कुछ बताया। हाँ बेटा, बहू हर पल मेरे साथ थी। ये हर पल तुम्हारे साथ होते हुए भी माँ कहीं भी आ जा सकती है। ये तो क्या कह रहा है, ये तेरा वहम है। ये वहम नहीं माँ, समझ का फर्क है। जिसे तुम इंसान समझती हो इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है। आप इस पर तरस खाकर यहाँ तो ले आई है माँ, मगर इसे इसकी हद समझा दीजिए। इतना बड़ा घर है, जहां भी रहना हो रहे, मगर मेरे बेडरूम में कभी भूले से भी कदम न रखे। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शेमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।